वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। याकूब जावेद कमियाना साहब, सिरहाने कप्तान के आहिस्ता बोलो, जहाज उड़ाते उड़ाते टुक्स हो गया है, क्या माजरा है सर? उसमें कमाल बात आपने की कि वो कहते हैं नींद तो सूली पे भी आ जाती है, लेकिन इससे पहले शायद आपने पूछा था कि चीनी कोई खातून कॉकपिट में, कभी जो है वो चीनी लड़की जो है, चीनी जो दोस्त है उनको कॉकपिट का जो है वो दौरा भी कराया जाता है, उन्हें वहां पर सैर कराई जाती है। बड़ी खूबसूरत बात उज़मा साहब आपने पूछी कि पहले तो ये है कि मैं खुद भी ट्रैवल करता हूँ, अब भी करता हूँ, सलामत रहे PIA, मुझे अल्लाह सलामत रखे इस इदारे को और इन वल्चर्स के हाथों से निकाले। उज़मा साहब, कॉकपिट जो है वो एक क्रेज़ है। एक तो जहाज को, जब जहाज की आवाज़ सुनेगी बच्चे से लेकर बूढ़ा तक ऊपर जरूर देखता है, इज इट राइट? तो कॉकपिट देखने के लिए जो वहाँ हमारा जहाज का अमला होता है उसको रिक्वेस्ट करती हैं, माएँ भी कह देती हैं कि ज़रा मेरे बच्चों को कॉकपिट दिखा दें। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, आप ट्रैवल कर रही हैं, आपकी फैमिली ट्रैवल कर रही है, तो वो कोई ऐसा ग्वांतानामो बे नहीं है। मैं कोई पायलट की साइड नहीं ले रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि उसमें कप्तान सिर्फ उस हिस्से को, इट्स ए वंडरफुल मोर देन प्रिटी एरिया कि वहाँ से आप फ्लाइंग से नीचे देखते हैं कि दुनिया कैसी। तो बाज़कात बच्चों को दिखाने के लिए बुला लिया जाता है, बाज़कात कोई बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल जा रहे हैं तो वो भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीनी खातून कौन थी, क्या थी, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। कैप्टन कौन था, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इसमें जो मॉरल वैल्यूज का इतलाक होता है वो ये है कि मैं थोड़ा सा कॉकपिट का नक्शा भी खींच देता हूँ कि कॉकपिट जो 777 का कप्तान कॉकपिट है उसमें दो का सेट है, जिस तरह मैं और आप बैठे हुए, कैप्टन सीनियर, को पायलट जूनियर, पीछे छोटी छोटी टेबलें। तो वो जो भी किसी को इनवाइट करते हैं इज्जत के साथ कॉकपिट से बाहर का व्यू दिखाने के लिए कि हम इस वक्त किस मुल्क से गुजरे हैं, वो कोई क्राइम नहीं है। अगर वो इजाज़त से और वो पता है कि आइडेंटिफाइड पैसेंजर है तो इट इज़ नॉट क्राइम, नंबर वन। अब अगर उसको बैड व्यूज़ में लिया जाए, नेगेटिव में लिया जाए कि चीनी खातून आई, डेफिनेटली कप्तान ने चीनी चीन का समझा होगा, मेहमान खातून बाद में आता है, तो उन्होंने अगर तो ऑनर के तौर पे बुलाया, और अगर जो कि मैं नहीं समझता कैसा होगा, अगर उन्होंने अपने साथी फर्स्ट ऑफिसर को, जहाज चला रहा है जो सेकंड इन कमांड है, उसको भी बाहर कर दिया और जहाज के आगे जो विंडोज हैं उसके बाहर से तो नजर नहीं आता, फिर बोल्ड कुंडी कर ली जो कि मैं तवक्को नहीं कर सकता, ऐसा नामुमकिनात में से है। अगर तो ये नहीं हुआ तो मैं बोल्ड ही कह रहा हूं दिस इज नॉट क्राइम। अगर किसी के पीछे लग गए तो अलग बात है, अगर उसने कप्तान साहब ने मना कर दिया कि रेड बत्ती जला दी कि नॉट अलाउड, दैट इज क्राइम, इज इट क्लियर? और जो कप्तान जो है वो जहाज उड़ाते उड़ाते सो जाते हैं, वो आपने जो फरमाया सो जाते हैं, कप्तान इंसान है, नींद सूली पे भी आती है, लेकिन कैप्टन आमिर हाशमी जिनके ऊपर ये मुकदमा बना है उनकी बदनसीबी देखें कि उन्होंने एयरलाइन को जितना डैमेज किया वो पालपा पायलट एसोसिएशन जो पीए की इतने सारे लोगों के, इतने सारे मुसाफिरों की जिंदगी के आप जिम्मेदार नहीं, 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 हाँ आप ठीक कह रही, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। इससे पहले मैं उनका बताता हूँ कि वो पायलट एसोसिएशन जो पीए की है उसके वो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने थ्रेट में ही रखा पीए को, ऑलवेज थ्रेट में रखा, बोल्ड ही कह रहा हूँ, आमिर सुन रहा होगा, कैप्टन आमिर यू आर लिस्निंग मी, कि आपने कहा कि हम एयरलाइन को बंद कर देंगे, हम जहाज ग्राउंड कर देंगे, इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा आप बंद करेंगे, हम रातों रात पायलट बाहर से हायर कर लेंगे, तब ठंडे हुए, बड़ा नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अब सोने की बात जहां तक है तो कप्तान नॉर्मली भी आपको मैं बता दूं कि अंदर जो जब को पायलट साहब बैठे हों तो ऑटो पायलटिंग चल रही होती, ऑटो पे लगा दिया जाता है जहाज, बात समय लग गई नाजरीन, ऑटो पायलटिंग इसी को कहते हैं, को पायलट ऑब्जर्व करता रहता है और कप्तान पीछे क्यों आता है। हम मीडिया शोर मचा देते हैं, ओ कप्तान पीछे फिर रहा सी, पता नहीं अगे कौन, ओके नो, कैप्टन पीछे आता है, कैप्टन के पास मैजेस्टेरियल पावर्स हैं उज़मा साहिबा, वो पीछे आते हैं, वो हर मुसाफिर के पास खुद जाते हैं, कैसे हैं, अमला मेरा ठीक, लुक आफ्टर कर रहा है आपको, वो पूरे जहाज का राउंड लगाते हैं, ये नहीं कि मोटरवे पे पिजारो चल रही है और पीछे ड्राइवर चला गया, नो, को पायलट अपनी सीट पे बैठा होगा और वो ऑटो पायलटिंग लगी हुई है, डेस्टिनेशन सेट कर दिया गया है, उसको फर्स्ट ऑफिसर को
एक एक चीज़ की इंडिकेशन आ रही है, वेदर किधर है, बादल किधर है, ये हर चीज़ निज़ाम है इसमें, तो वो पीछे जाके लोगों को लुका। अच्छा सर, ये जो कैनेडियन शॉपिंग मॉल से एयर होस्टेस का जो हार है वो उड़ाना, टन कप्तान जो है वो उसका इंसानी जानों से खिलवाड़, ये तबाही नहीं तो और क्या है? बाकियों को तो आपने बड़ा खूबसूरत से जो है वो डिफेंड, खूबसूरती से डिफेंड किया। नहीं, अगर मैंने कह दिया कि अगर वो, देखिए डिफेंड नहीं, एक इन्फॉर्मेशन पास की है कि कैप्टन कीप ऑन गोइंग बैक, वो लोगों से पूछते हैं, वो हमले से पूछते हैं और सर्विस पूछते हैं और पीछे जाके गपशप भी करते हैं, चाय पीते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। अब अगर देखे ना, हीरोइन जो स्मगल करें वो सुबह वापस आ जाएंगे, वो एक कैप्टन बेचारे के पीछे पड़ गई इंतजामिया जो निल है, नलायक है, वो टॉप लेवल के कप्तान जिसका कोई मॉरल क्राइम नहीं, वो अभी मैं उसमें उसकी तरफ आ रहा हूँ कि वो ही कैप्टन अनवर आदल डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन है, जद्दा जा रहे हैं, मदीना शरीफ जा फ्लाइट लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर एक मलबा डाल दिया कि आप ज्यादा पैसेंजर, भाई ये बस थोड़ी है, क्या कर रहे हैं? एक सिविल एविएशन न्यूज़मा, सिविल एविएशन एक मिनट में लाइसेंस कप्तान का कैंसिल कर देती है, यहाँ तो वार्डन ही छोड़ता, सिविल एविएशन के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो कप्तान की जिंदगी उजरन कर देते हैं। अब एक मलबा डाल दिया कि जी आप स्टाफ लेके चले गए, पैसेंजर खड़े रह गए, टोटल फॉल्स। सिविल एविएशन कह रही है कप्तान क्लियर है, पीए की टीम कह रही है कप्तान क्लियर है, उसकी जिंदगी हराम कर दी, और जहाँ हीरोइन निकल रही है वो मौजे करें, लैपटॉप चोरी हो रहे हैं मौजे करें, दुबई के रूट बेचें कोई पूछने वाला नहीं, गोरा ला के बिठा दिया प्रीमियर क्लास पे, अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, मजे करें। सरदार मेहताब अब्बासी साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, जो काम करने वाले हैं उनको आपने सरप्लस पूल में डाल दिया, जो नलायक वारदाती फ्रॉडिये डाकू हैं उनको आप कह रहे हैं चलो जेडी चार दिन जहाज रह गए उन्होंने फारग कर दो। अब आपने पूछा कि नेकलेस चोरी वाली बात, उसमें शर्म आ रही मुझे कि वो एयर होस्टेस जो है, एयर होस्टेस इतनी मराहत याफ्ता है, फैसिलिटेटेड है। मैं आपको खुद बता दूं, आंखों देख हाल बताता हूं कि जिन बिचारियों के बाहर, मैं भी कुछ 100 मरबे का मालिक नहीं था, लेकिन तारीख गवाह है, पीआईएस वाले सारे दोस्त सुन रहे हैं कि फॉक्सी कार पे आया, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन जिन लड़कियों के बहुत गुर्बत ज्यादा घर थे वो 5-स्टार होटल में ठहरती हैं, वो जाके मैरियट में ठहरती हैं, वो लंदन पार्क लेन होटल में जाके हिल्टन में ठहरती हैं, वो मैरिट क्या वो रूजवेल्ट में ठहरती हैं, फिर $150 का हार चोरी करके लानत है, बर्बाद कर दिया मुल्क को आपने, जिंदा दरगोर एयरलाइन को भी कर दिया, माथे पे कलंक का टीका लगा दिया, वो जलील हो गया, क्या पले उसके रह गया होगा। उस्मा माफी चाहता हूँ, मैं लॉज को, मैं कानून को अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे कोई आर नहीं है चोरों को बेनकाब करने में, मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं मुल्क की सलामती के लिए बात करता हूँ, मैं इदारों की सलामती के लिए बात करता हूँ, मैं मेरिट की बात करता हूँ, मैं उनकी बात करता हूँ जिनकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और मुल्क के इदारों के माथे के ऊपर ब्लैक स्टिग्मा लग गया। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दोबारा इसी हवाले से जो है मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस इदारे को जो पीआईए बहुत एक अपने टाइम पे बहुत उरूज भी देखा इसने, तो हुक्मरानों ने अपने लाडलों को नवाजने के लिए जो है वो कोई ऑक्सीजन टेंट में डाल दिया है इसको? नहीं, इसको डाला है हुक्मरानों ने, अपने इदारे को नहीं डाला। मैं यही कह रही हूँ कि इस इदारे को जो है वो हुक्मरानों ने, नालायक लोग, नॉन प्रोफेशनल, जिसका मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ कि सजा याफ्ता जिनको दुबई में से हथकड़ियां लगा के पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया, वो पीआईए के ऊपर सरबरा लगा दिए गए। देन एक कप्तान को लगाया जिससे एयरलाइन कोलैप्स हो गई, बैठ गई, और उस सदर पाकिस्तान ने फिटे मुंह नहीं कहा कि उसको हटा दें, जब पूरे जहाज बैठ के 2011 में स्ट्राइक हो गई, जहाज बैठ गए, कप्तानों के सर फटे, लड़ाइयां हुई, तब जाके बड़ी मुश्किल से। अच्छा सर, ये जो चेयरमैन की तब्दीली अभी अमल में लाई गई, तो चेयरमैन की तब्दीली से कोई पीआईए में बेहतरी आई? देखें, एक बहुत खूबसूरत मुहावरा है कि रिस्पेक्ट योर बॉस, मे बी नेक्स्ट वन वुड बी वर्स्ट। वो एक को हटाने के बाद दूसरा नैला लगा दिया जाता है। प्रोफेशनल लोगों को, अगर आप पटवारी को सर्जन लगा देंगे उस्मा साहिबा, और सर्जन को आप डीडी साहब की जगह प्रोड्यूसर लगा देंगे, क्या बनेगा? तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो फार्मूला है, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं होगा ये तबाही नहीं रुक सकती। एंड आई होप, मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी कहता हूँ
कि खुदारा चलिए आप बाकी लगे हुए हैं कि जी बिजली भी आ जाएगी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहारे तक। अच्छा सर, ये जो हेथ्रो एयरपोर्ट पर जो लैंड करने वाली परवाज थी, जिससे दावा ये किया गया कि भारी मकदार में हेरोइन पकड़ी गई है, जो कि जो है अभी तक हमारे यहाँ पर इदारों के सरबराहान को आगाह भी नहीं किया गया प्रॉपर, और तहकीकात भी अभी जारी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना, आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश की जा रही है या इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, क्योंकि अगर तो ये तो वाकई एक जेन्युइन सा सवाल हर इंसान के जहन में उभरता है कि अगर वहाँ पे वाकई हेरोइन पकड़ी गई होती तो तैयारा जो है वो अमले समेत वापस ना आता। उस्मान साहब, आपको मैं ऑलरेडी चूँकि इस पर एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात कर चुका हूँ, तो मेरा ख्याल है कि जब कोई चीज़ उन्होंने हमें बताई नहीं तो हम क्यों डंडोरा पीटें। सही, हमें निदामत आज ये हुई कि आज के 785 जिसने उसी डेस्टिनेशन पे जाना था, उसमें से हमारी एजेंसियों ने हिम्मत करके इज्जत बचा ली कि यहीं पकड़ी गई। अब ये कौन सा माफिया है जो मुल्क की इज्जत को दांव पे लगा रहा है, जो एयरलाइन को इस बंद गली में ले आ रहा है कि पहले ही अभी सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने तो खैर और ही कह दिया ना जी कि इसको डिफॉल्ट करा के करार दे के बंद किया जाए, छुरी फेर दी जाए। मैं इसको बिल्कुल सरदार साहब की बात को निगेट करता हूँ। सरदार साहब ऐसे नहीं, अगर असेंबली काम ना कर रही हो तो असेंबली ठेके पे दे दी जाए, बंद कर दी जाए, ये तो नहीं है। उसमें से उसकी सर्जरी की जाती है, बुरे लोगों को निकाला जाता है, सजाएं दी जाएं, आप कोई कानून ऐसा बनाएं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो नैब सख्त हो जाए। अकाउंटेबिलिटी होगी, पता चलेगा कि कल चूल्हा बंद हो जाना है, उस्मान साहिबा घर का चूल्हा बंद हो जाना है, बच्चे जो HSN में पढ़ रहे हैं वो आ जाएंगे प्राइमरी स्कूलों में, घर बैठ जाएंगे, लंदन की टिकट नहीं मिलेगी, जेल हो जाएगी, तो फिर निशाने इबरत लोग बन जाएंगे। सही। अच्छा सर, इसको बचाने का क्या हाल है? इस इदारे को अगर हम बचाना चाहते हैं और इसका जो है नाम इसको वापस लाना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो क्या? जी मैं गुजारिश करूंगा कि आपने अच्छा वो मतलब कीड़े तो सारे निकालते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे। अच्छा पहले तो ये ना कि जो ही खबर कोई चलती है अभी उसकी डिटेल नहीं आती, हम शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज इस एजाज है मेरे चैनल को और आपको भी दाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। मैं ये कहता हूँ कि ये क्यों नहीं बच सकता, आप prevention is better than cure। लेकिन सर जो मुशीरे एविएशन है उनका, मेहताब अब्बासी, उनका तो ये कहना था कि छुरी फेर दी जाए। नहीं, उन्होंने पता नहीं किस पैरे में कह दिया, लेकिन उन्होंने पहले हिस्से में बड़ी अच्छी बात की जो पूरे मुल्क में किसी ने नहीं की, जो PIA की पूरी इंतजामिया सोई रही। और बड़ा हैरान हूँ कि कस्टम के इस्लामाबाद की टीम ने भी पिछली फ्लाइट पे ये कह दिया जी चूंकि 20 घंटे जहाज हैंगर में खड़ा रहा तो कहीं से आगे होगी, ये उनको भी नहीं देता क्योंकि जहाज तो उनकी कस्टडी में होता है, रमेश जी वो करते हैं। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। आइए हम एक ही बात करते हैं, जनाब वज़ीर आज़म प्रोफेशनल बंदा लगाइए, ये छोड़ दीजिए कि कभी किसी ने आके कान में कहा कि जर्मन से बंदा इंपोर्ट कर लें वो लगा दें, 6 महीने वो आया प्रीमियर क्लास चलाई, सत्यानाश किया, जहाज अपना था नहीं, स्टूडियो अपना था नहीं, घर अपना था नहीं, किसी के कमरे को सजाया, श्रीलंका से जहाज लिया। उस्मान साहिबा लाखों डॉलर बर्बाद कर दिए, लंदन एयरपोर्ट पे केक कटे, हमारा बरतानिया में हाई कमीशन जो है उसके साहब भी केक खा रहे थे, डायरेक्टर भी केक खा रहे थे, और लाहौर से एक साहब हमारे कुलीग ऐसे हैं जूनियर 3, वो हर साल OCS पे जाते हैं, वो भी यानी केक उड़ाए गए और उसके बाद उस प्रीमियर क्लास का जनाजा उड़ा दिया गया, उठा दिया गया, नुकसान हो गया। अब आता हूँ, मेरिट बहाल कर दी जाए उस्मान साहिबा, मेरिट बहाल, स्ट्रिक्ट एक्शन, जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं अदालतों में उनको एक्सपेडाइट करवाया जाए, जो PIA के अंदर हैं, जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, जो लॉ ऑफिसर्स हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, बबांगे धोल कह रहा हूँ, आप आउटसोर्स कर दें इसको, इंक्वायरीज को जो भी करें तगड़ा हाथ रखें, निकालें बाहर करें जो जाली बंदे चढ़ाते हैं, जो 14-15 लाख 20 रुपये लेके एजेंसी हो, PIA का ऑफिसर हो, हमला हो, उनको निकालें, जेलों में डालें, जो भी करें प्रोफेशनल टीम, जो डायरेक्टर्स घर बैठ के, उस्मान साहब इसमें और ऐड कर दूं, ऐसे कई डायरेक्टर घर बिठा दिए गए हैं, सरप्लस पूल बिठा दिए गए हैं, उनसे काम लें या उन्होंने अल्लाह के सुपुर्द कर दो, 15-5 लाख 10 लाख 20 लाख अमला उनको घर सलाम करता है, घर बिठाए हुए हैं, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई कोई काम नहीं कर रहा और वो सैलरीज दे रहे हैं, सबको वापस बुलाइए,
निकाल दीजिए या बहाल कर दीजिए ताकि वो उनसे काम लिया जाए। एक तो ये फार्मूला है, जाली असनाद का केस, उस्मान साहब आपने चूंकि बहाली की बात की, मुझे दो एक मिनट दे दीजिए प्लीज। जी जी जी। जाली असनाद केस में सारे पड़े हुए, सब हमने असेंबलियों में जालसाज पकड़े, हमने जाली दूध पकड़ा, हमने गधे का गोश्त पकड़ लिया, सारा कुछ पकड़ लिया। पीआईए में वो स्कूल बने ही नहीं, वो डिग्रियां, वो यूनिवर्सिटी उस्मान साहबा नहीं बनी जहां से कागज बीए का लगा के डायरेक्टर बन गए, मैट्रिक पास डायरेक्टर। और मैं आपको एक बड़ी कमाल मिसाल देता हूं कि जो सीजनड प्रोफेशनल पढ़ी लिखी खवातीन सीनियर कैम्ब्रिज किया हुआ है, लाहौर में ऑफिसर बैठी उनको प्रमोट नहीं करके कि तुसी बीए नहीं कीता, और मैट्रिक पास डायरेक्टर हैं, स्मगलिंग में मुलविस डायरेक्टर हैं केसेस में, तो सब अकाउंटेबिलिटी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपसे गुजारिश है कि एक तो है एक्टिंग सीओ कोई चीज नहीं, एक्टिंग सीबीआर का चेयरमैन कुछ नहीं, ये एक्टिंग छुड़वा दें प्लीज, प्रोफेशनल वंडरफुल प्रोफेशनल। आप हमसे पूछे हम आपको बताएंगे कि ये बंदे तबाही का बायस हो रहे हैं, कुछ ना दीजिए लेकिन एयरलाइन पांव पे खड़ी हो जाएगी। ये जिन्होंने बड़े लोगों ने, जिन बड़े लोगों ने, मैनेजिंग डायरेक्टर के लोगों ने, डायरेक्टर के लोगों ने पिछले पांच साल में इसको, चलिए दस साल छोड़ दीजिए, एहतसाब की बात करते हैं सियासतदानों का, तो वो गेंद स्टेडियम से बाहर फेंकने के लिए कह देते हैं जी 1947 से शुरू करो। मैं कहता हूं पिछले पांच साल से उस्मान साहब, पिछले पांच साल में जिन्होंने जो जो किया है उनको एक खसूसी जाब्ता बनाएं, ना उनकी बेल हो, उनको बाहर करें। और जो लोग बेचारे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उस्मान, 6,000, 7,000, 12,000 रुपये वाला जो बेचारा धूप में लड़का काम कर रहा है, जो 20,000 रुपये वाली लड़की काम कर रही है, जो एयर होस्टेस जो काम में जुते हुए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कीजिए, तमाम फ्रॉड ये जितने जिन्होंने लूटा है उनको फर्ग कर दीजिए, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। गरीब गुरबा जो अच्छे मुलाजमीन हैं, जो चोरियों वाले केस हैं, बैगेज सर्विस में चोरियों को केस हैं, उनको ख़त्म कीजिए और जहाज लेके दीजिए। लेकिन ये वो बोरी ना कीजिए कि ऊपर से दाने डालते जाएं और नीचे से सुराख हो, फिर ये नहीं ठीक हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाजरीन, इदारों में तैनाती जो है वो मेरिट की बुनियाद पर की जाए ताकि जो है इदारे हमारे बेहतर तौर पर काम कर सकें और इदारों की कारकर्दगी पर कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। अपने इदारों की बेहतरी में सिर्फ सियासतदानों को दोष देने की बजाय अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। प्रोग्राम हकाइक से अपनी मेज़बान उस्मा खान रूमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ो नासर।